मोबाइल फोन में हम सब कई तरह के ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, मैसेजिंग ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन टैक्सी, सब है। ऐसे ऐसे स्वाइप करते जाइए, ऐप आता जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे खतरनाक ऐप्स भी आपके मोबाइल में, जिनको आपको मौका लगते डिलीट कर देना चाहिए। इतने सारे ऐप्स आप रखते हैं, लाइफ लगता है कि स्मूथ हो गई, सब फटाफट काम हो गया, और इस तरह के कई ऐप्स जो मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक रिपोर्ट हाल ही में आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के टॉप 100 एंड्रॉइड ऐप्स में 75% ऐप्स डेटा सुरक्षा के लिए खतरा है। सबसे पहले यह समझिए कि आपके स्मार्टफोन में क्या क्या स्टोर रहता है, तब ना पता चलेगा कि क्या चोरी हो सकता है। इसमें आपके बैंक की डिटेल होती है, बहुत सारे लोग रखते हैं, बैंक वाला ऐप भी रखते हैं, नेट बैंकिंग, मेल अकाउंट के पासवर्ड होते हैं, पैसों के लेन देन की जानकारी होती है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी होती है, दोस्तों रिश्तेदारों की कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, मोबाइल फोन में ट्रैवल हिस्ट्री भी स्टोर होती है कि आप कहाँ कहाँ गए, किससे कब कितनी बात की ये डेटा भी रहता है, आपके फोटो और वीडियो भी स्टोर रहते हैं जो आपके पर्सनल डेटा है। स्मार्टफोन में कई तरह के ऐप्स लोग इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते वक्त ओके 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 करके निकल लेते हैं। जरा सोचिए कि इन ऐप्स के जरिए आपके स्मार्टफोन में सेव्ड अहम जानकारियां अगर लीक हो जाएं तो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग और एनालिसिस करने वाली कंपनी एपनॉक्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक टॉप 100 ऐप्स में से 75% ऐप्स में सिक्योरिटी का रिस्क है। टॉप 100 ऐप्स जो है उसमें से 75 ऐसे हैं जिसमें सिक्योरिटी रिस्क है। इनमें 90% ऐप्स में गंभीर सुरक्षा के खतरे हैं, इससे कस्टमर और कंपनियों के सेंसिटिव डेटा हैक होने का खतरा है। 79% ऐप्स गलत कॉन्फ़िगरेशन से प्रभावित हैं। 78% ऐप्स में कोडिंग के स्तर पर क्लैरिटी नहीं है। 42% ऐप्स में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐप्स के जरिए भेजा गया डेटा सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि मोबाइल में सेव्ड आपकी फाइनेंशियल जानकारी, कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो, वीडियो सब लीक हो सकता है। एपनॉक्स ने भारत के टॉप 100 एंड्रॉइड ऐप्स की टेस्टिंग की, ये ऐप्स कितने सुरक्षित हैं उस आधार पर स्कोरिंग की गई। ये रिसर्च सिर्फ एंड्रॉइड ऐप्स के लिए की गई थी। 75% ऐप्स से अगर फोन की सुरक्षा, डेटा हैक या लीक होने का खतरा है तो यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि भारत में 74 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। भारत में हर 100 में से 18 लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक होती है, उनको पता भी नहीं होगी शायद। 2021 में 35 लाख स्मार्टफोन साइबर अटैक का शिकार हो चुके थे। दुनिया में 10 में से 4 मोबाइल फोन में आसानी से साइबर अटैक हो सकता है, 10 में से 1 मोबाइल फोन पर मालवेयर अटैक होता है। गंभीर बात बता रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिए, जानकारी आपकी यूं उड़कर चली जाएगी उनके पास जो इसी को करने के लिए बैठे हैं। मोबाइल ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के इसी खतरे को देखते हुए मोदी सरकार कई बार मोबाइल ऐप्स पर बैन भी लगा चुकी है। 14 फरवरी 2022 को 54 ऐप्स को बैन किया गया, 2 दिसंबर 2020 को 118 ऐप्स बैन हुए थे, नवंबर 2020 में 43 ऐप्स को बैन किया गया था, 27 जुलाई 2020 को 47 ऐप और बैन हुए थे और 29 जून 2020 को 59 ऐप्स पर बैन लगा था। इनमें से ज्यादा मोबाइल ऐप्स चाइनीज थे। इन पर आरोप था कि ये सभी एप्लीकेशन भारतीय डेटा चीन और दूसरे देशों को भेजने के साथ साथ लीक भी कर रहे हैं। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन सभी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था। ऐप्स को सुरक्षित बनाने की जरूरत है क्योंकि भारत में स्मार्टफोन एप्लीकेशन का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। गूगल प्ले स्टोर जाकर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर 30,43,000 से ज्यादा ऐप्स हैं और इसमें से 1,59,000 से ज्यादा ऐप्स भारतीय हैं। इन ऐप्स को 30,399 भारतीय कंपनियों ने बनाया है। फोर्ब्स के मुताबिक ऐप इंस्टॉल करने और यूज करने में भारत नंबर वन है। भारत में एंड्रॉयड ऐप्स का बाजार 13,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो 2026 तक 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। इसलिए हर ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, और जो डाउनलोड कीजिए उसमें किस चीज की परमिशन दे रहे हैं ये सोच समझ कीजिए।